कहानियां सुनते आ रहे हैं जिसमें कहा जाता था कि भूत प्रेत केवल कब्रिस्तानों या सुनसान जगहों पर पाए जाते हैं, परंतु आप कल्पना कर सकते हो कि अगर आपको अकेला किसी भूतिया रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाए तब आपको कैसा महसूस होगा। शायद आपके लिए वो मुश्किल घड़ी हो, परंतु भारत में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जो कि भूतिया हैं, और आज हम आपको भारत के 5 सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर पहला, MG रोड मेट्रो स्टेशन गुड़गांव। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत की आत्मा कई सालों से भटक रही है। लोगों का कहना है कि इस स्टेशन पर किसी औरत का एक्सीडेंट होने के बाद उसकी आत्मा यहीं पर भटक रही है। यह आत्मा लोगों को मेट्रो के अंदर से आंखें दिखाकर या अपने चेहरे पर खून लगाकर डराती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस औरत का बच्चा यहाँ खो गया था। जब वो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। तब से लेकर वो आज तक अपने बच्चे को ढूंढ रही है, और ये भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशनों में से एक है। नंबर 2, बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। भारत के पश्चिमी बंगाल का यह रेलवे स्टेशन बेगुनकोदर, जहां पिछले 42 सालों से कोई भी ट्रेन नहीं रुकी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां एक औरत की आत्मा प्लेटफॉर्म पर नाचती है और ट्रेन के साथ में दौड़ती है। यह रेलवे स्टेशन पिछले 42 सालों से बंद है, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि सन 1966 में एक रेलवे कर्मचारी ने एक औरत को सफ़ेद साड़ी में देखा और फिर उसकी मौत हो गई। और वहां के निवासियों का भी यही कहना है कि उन्होंने कई बार सफ़ेद साड़ी पहने हुए उस औरत को देखा। इन डरावनी घटनाओं के बाद रेलवे डेवलपमेंट ने इस स्टेशन को बंद करने का आदेश दे दिया, और पिछले 42 सालों से इस स्टेशन पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती है। नंबर 3, लुधियाना रेलवे स्टेशन। लुधियाना रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर काम करने वाले सुभाष, जो कि यहाँ नौकरी करते थे, कहते हैं कि उनको अपनी नौकरी से बहुत प्यार था और अचानक उनका देहांत हो गया, और उनकी आत्मा आज भी उस ऑफिस में घूमती है। लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा आसपास ही घूमती रहती है और पीठ थपथपाती है। उनको अपनी नौकरी से प्यार होने के कारण उनकी आत्मा यही नहीं चाहती कि कोई उनकी कुर्सी पर बैठे, और आज तक जो भी उसकी कुर्सी पर बैठा है वो या तो पागल हो गया है और या अपनी जान से हाथ धो बैठा है। इन घटनाओं को देखकर सुभाष की कुर्सी पर कोई नहीं बैठा और उनके ऑफिस का रूम लॉक करवा दिया गया। उनकी आत्मा रात के समय में लोगों को बहुत बार नजर आई है, और अंधेरा होने के बाद इस रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता है। चित्तूर रेलवे स्टेशन। आंध्र प्रदेश के चित्तूर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने एक आत्मा को महसूस किया है। यह आत्मा न्याय की तलाश में भटक रही है। यह आत्मा CRPF की अधिकारी वीर सिंह की है। उनकी हत्या 13 अक्टूबर को ड्यूटी के वक्त कर दी गई थी, और उनकी लाश को यहाँ फेंक दिया गया था, और कहा जाता है कि उनकी मौत यहाँ फेंकने के बाद हुई, और तभी से वीर सिंह की आत्मा यहाँ न्याय की तलाश में भटक रही है। हालांकि यह आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन लोग फिर भी यहाँ रात में आने से बहुत डरते हैं। नंबर 5, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कोलकाता। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भारत के सबसे भूतिया रेलवे स्टेशनों में से एक है। कहते हैं कि यहाँ के रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने वाले लोगों की आत्माएं आज भी यहाँ भटकती रहती हैं। लोगों का कहना है कि अगर आपने यहाँ रात में ट्रेन पकड़नी होती है तो आपको यहाँ भयानक भयानक आवाज़ें सुनाई देगी, और तो और आपको आत्माएं भी दिख सकती हैं। इन घटनाओं की वजह से सरकार ने इस स्टेशन पर जाना मना कर दिया है, और यहाँ RPF के 15 से 20 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे भूतिया रेलवे स्टेशन। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी नई नई वीडियो हम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।